हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग पैटर्न सीरीज का ये नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको एक कोट बताते हैं। ठीक है, कोट है, द चेंज इज द मोस्ट कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। बदलाव ही जीवन का नियम है, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पैटर्न बनाएंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैटर्न क्या है? ये वाला उल्टा ट्राइंगल है स्टार के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना? अपना सबसे पहला स्टेप ये था कि अपने को इसके चारों तरफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यही स्टेप था अपना। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं अपन। लाइंस को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन आई और जे को दे देते हैं नंबर। ठीक है, ये अपना सेकेंड स्टेप था। आई इक्वल्स टू रो था एंड जे इक्वल्स टू कॉलम। तो ये आई हो गया और ये जे हो गया, तो आई को 1। तो चलिए आई एंड जे हो गई है। अभी इसके बाद में क्या था? अपने को सिंपल लॉजिक कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, सिंपल लॉजिक कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? सीधे सीधे पहले तो आई को लिख लेते हैं, देन जे को, जहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है वहाँ पे जे को लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन सिंपल लॉजिक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये आई यहाँ पर है और ये जे यहाँ पर है। आई क्या था? यहाँ पर ले लेते थोड़ा सा आई को। आई क्या था? आई सिर्फ अपना था 1, 2, 3 और 4। अभी आई इक्वल्स टू 1 के ऊपर जे क्या क्या है? ब्रो 1 to 7 है, तो अपन लिख देते हैं 1, 2। ठीक है, आई इक्वल्स 2 के ऊपर जे क्या क्या है? 2 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो 2। ठीक है, आई इक्वल्स 3 के ऊपर जे क्या क्या है? 3, 4, 5। 3, 4, 5, राइट। आई इक्वल्स 4 के ऊपर जे क्या है? सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये वाला अपना सिंपल लॉजिक कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, सिंपल ये वाला लॉजिक कंस्ट्रक्शन हो गया अपना। अब इससे बाद में अपने क्या थोड़ा प्रिसाइज लॉजिक बनाना था। इसी लॉजिक को प्रिसीजन के साथ में किस तरीके से लिखना है वो चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ इसको जे को। ये वाला अपना थोड़ा दिमाग वाला लॉजिक है। ठीक है, आई ये रहा एंड जे ये रहा। ठीक है, दिमाग वाला लॉजिक है ये। आई इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। आई की तो वैल्यूज 1, 2, 3, 4 ही रहेगी। ठीक है, ये आई है अपना। अभी जे की क्या क्या वैल्यूज होगी? आई इक्वल्स टू 1 के ऊपर जे की क्या वैल्यू है? 1 से लेकर 7 तक है, मतलब कि 1 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। ठीक है, तो जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, राइट? 7, राइट? जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, राइट? तो ये वाली हो गई पहले के लिए। अभी आई इक्वल टू 2 के ऊपर जे की क्या क्या वैल्यूज है? जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, राइट? जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। 6 से तो भाई ये छोटा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, और 2 से बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए। अभी आई इक्वल टू 3 पे क्या क्या वैल्यूज है? 3 के बराबर बड़ा और 5 से बराबर छोटा। ठीक है, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, राइट? अभी 4 के ऊपर क्या है? जे की क्या वैल्यूज होंगी? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। अपन ने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि ये बाकियों की तरह दिखे, अदरवाइज इसको अपन जे इक्वल टू 4 भी लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये अपना वो वाला लॉजिक कंस्ट्रक्शन हो गया थोड़ा और प्रिसीजन के साथ में। अगर अपन इसमें से बिल्कुल एकदम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन चिपकाने वाले वो वाला लॉजिक अगर अपन बनाए तो वो किस तरीके से बनेगा वो अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो दिमाग किस तरीके से लगेगा? देखिए, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आई वो आई की जो जो वैल्यूज है वो यहाँ पे भी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यूज आ रही सीधी सीधी, राइट? तो अपन क्या कर सकते हैं, एक वाला तो अपन यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखते हैं ना, 1, 2, 3, 4 है, जे के अंदर आई की वैल्यू, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। एक तो ये वाला आ जाएगा कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी है, कि आई की वैल्यूज चल रही है। ठीक है, अभी एंड में क्या आएगा? एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, वैल्यूज डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो वैल्यूज डिक्रीमेंट हो रही है तो उसके अंदर क्या आएगा? 7, 6, 5, 4 है। अब अपन क्या दिमाग में लगाए कि यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए? अगर अपन सपोज कीजिए 8 में से अगर आई को माइनस कर दे अपन, जे शुड बी, इफ सपोज जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस आई, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई, सॉरी, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई अगर अपन करेंगे, जैसे 8 में से अगर आई को निकाला 1 तो 7 आ गया, 8 में से अगर आई इक्वल टू को निकाला तो 6 आ गया, 3 को निकाला तो 5 आ गया, एंड आई लाइक 8 माइनस 4 अगर करेंगे आई को तो 4 आ जाएगा। बैठे कंडीशन अपने जुगाड़ बैठ गया, तो कंडीशन अपनी क्या होगी? मूल कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये वाली होगी जिसको अपन प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। ठीक है, चलिए आपको इसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों आपको इस पैटर्न का प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंटेशन करके बता देते हैं किस तरीके से पैटर्न प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होगा ये वाला लॉजिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन लूप लेंगे फॉर आई इज रेंज 1 to 5, मतलब ये वाला लूप 5 तक चलेगा, मतलब कि यहाँ तक 4 तक चलेगा, लास्ट वाली चीज एक्सक्लूड होती है रेंज फंक्शन के अंदर। ठीक है,
और फिर जे इन रेंज 1 to 8 चलेगा, मतलब कि लास्ट वाली चीज एक्सप्लोर होगी, मतलब कि 7 तक चलेगा। ठीक है, अभी अपनी जो कंडीशन अपन ने वो बनाई थी इतने लॉजिक के साथ में, ये वाली कंडीशन अपन ने बनाई थी प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ में, उसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे सीधी ये वाली कंडीशन यहाँ पे चिपका दी, सेम कंडीशन यही है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपन स्टार पैटर्न प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे एंड बाय डिफॉल्ट नथिंग दे रखा है क्योंकि अपन को नेक्स्ट लाइन पे स्विच नहीं करना है, इसलिए एंड इक्वल्स टू स्पेस दे दिया अपन। ठीक है, और ये फिर नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। तो चलिए आपको एक एग्जांपल करके मैं इसको इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अपन आई इक्वल्स टू 2 पे ले लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू अपन ने लिया 2। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो आई इक्वल्स टू 2 ले लिया, वहाँ के ऊपर अपना कहीं कंडीशन लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, मतलब कि जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई, मतलब कि जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 2, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि आई जे की वैल्यू जो है आई इक्वल टू 2 पे क्या आनी चाहिए, 2 के बराबर इक्वल होनी चाहिए या फिर 6 के बराबर या छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जे शुड बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, इन वैल्यूज अगर होगी अगर जे की, तो उनके ऊपर अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 और 7 के लिए है, वहाँ पे ये वाला स्पेस पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन जे इक्वल्स टू 1 के ऊपर। ठीक है, 1 के ऊपर अपने कंडीशन देखा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों कंडीशन फॉल्स है, बीच में एंड है। ठीक है, तो फिर बाद में ये वाला पैटर्न प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अपन आएंगे एल्स कंडीशन के ऊपर, एल्स कंडीशन के ऊपर आने के बाद में क्या होगा, अपन स्पेस प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन पे ना जाएं उसके लिए अपन क्या कर दिया, एंड इक्वल्स टू स्पेस दे दिया, तो अपन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आते ही ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो अपन स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया, स्टार पैटर्न प्रिंट करते ही फिर बाद में एंड इक्वल्स टू स्पेस दे रखा है, तो अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आते ही ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, यहाँ पे भी स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया, ऐसे इसके लिए तीनों के लिए 4, 5, 6 तीनों के लिए स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया अपन ने। ठीक है, अभी 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए वाली कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है ना, इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 7 के लिए वाली दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे आएंगे एल्स पार्ट के ऊपर। एल्स पार्ट के ऊपर आके अपन को यहाँ पे स्पेस पैटर्न प्रिंट करवा देना है, स्पेस प्रिंट करवाने के बाद में एंड इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, तो इसलिए अपन यहाँ पे कहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद में अपने को नेक्स्ट लाइन पे स्विच करना है क्योंकि ये पूरा ये वाला लूप पूरा खत्म हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी 3 पे आने के लिए अपने को उससे पहले क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे स्विच करना है, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 के लिए और 4 के लिए वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।